मजलपुरा माँ भगवती सच्चे दरबार में प्रतिमाओं की नगर भ्रमण एवं शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंत्रोच्चारण की धूम से गुंजायमान रहा भगवती सच्चे दरबार। बोलता बिहार न्यूज मीडिया के इतिहास से संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेजहा बेगूसराय श्री सचंडी महायज्ञ के पांचवे दिन 15 अप्रैल सोमवार को बजलपुरा के ऐतिहासिक प्राचीन भगवती मां सच्चे दरबार के प्रांगण में नवनिर्मित मंदिरों में राजस्थान के मकरान से लाए गए मां भगवती, बाबा भोला, बजरंग बली, विश्वकर्मा एवं विष्णु भगवान आदि देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मंदिर परागण से नगर और क्षेत्र भ्रमण के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। नगर भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा मंदिर व यज्ञशाला परिसर से सुबह 7 बजे प्रारंभ होकर बजलपुरा गांव होते हुए गुप्ता बंद से नौखुटी मगुरापुर टैगरा गौशाला के रास्ते बाजार के मुख्य मार्ग होते स्टेशन रोड के रास्ते हसनपुर गांव अयोध्या गांव का भ्रमण कर पुनः भगवती स्थान परिसर पहुंची, जहां मंत्रोच्चारणों के बीच हवन यज्ञ कर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शोभा यात्रा के दौरान नगर के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मंदिर व देवस्थानों में पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में गाजे बजे, हाथी घोड़े, ढोल नगाड़े, बैनर पटाखे और ध्वज के साथ भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पीताम्बरधारी महिला, पुरुष, श्रद्धालुओं एवं बच्चे, बूढ़े, जवान एवं बच्चियों ने शामिल होकर जयकारा लगाते हुए नगर एवं आसपास के प्रमुख गांवों का भ्रमण किया। शोभा यात्रा जुलूस जिस रास्ते से गुजरती, मोहल्ले के लोगों द्वारा उनका भाव स्वागत किया गया। कहीं फूलों का बरसात तो कहीं पानी का बौछार तो कहीं पेयजल की व्यवस्था तो कहीं शरबत पिलाकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। यज्ञशाला परिसर में चल रही 5 दिवसीय सचंडी महायज्ञ के हवनशाला में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंडप परिक्रमा एवं श्रीमद् भागवत कथा संध्या आरती में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वही मां भगवती सहित अन्य देवी देवताओं के लिए सामूहिक हवन वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। हवन यज्ञ के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हरिहरपुर के महंत गोपाल दास जी महाराज, सुल्तानगंज के आचार्य विजय कृष्ण महाराज, भागलपुर के धीरज गांधी जी महाराज, मोहन ठाकुर एवं अन्य विद्वान पंडितों के सानिध्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने पूर्ण भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हुए परिवार, समाज और देश में शांति और अमन चैन की मन्नतें मांगी। वहीं बजलपुरा गांव आसपास के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घर घरों में लोगों ने संध्या दीप प्रज्वलित कर आध्यात्मिकता को प्रतिस्थापित किया, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। संयोजक मंडल के सदस्य कन्हैया कुमार सिंह भारद्वाज एवं सत्येंद्र कुमार सिंह सुधांशु ने बताया कि 16 अप्रैल को साधु संतों एवं अतिथियों का विशाल भंडारा आयोजन होगा। उसके बाद पधारे विद्वान पंडितों एवं संतों के साथ भजन मंडली एवं आरती मंडली में शामिल सभी धर्म प्रेमियों का सम्मान समारोह, उपरांत यह महायज्ञ का अनुष्ठान विधिवत सम्पन्न होगा। कार्यक्रम में सुशील सिंह, उदय किशोर सिंह, चंद्रकांत सिंह बबलू, अधिवक्ता सोनू कुमार, मंजेश कुमार, बबन कुमार, अविनाश कुमार शीलू, सुनील सिंह, नीलेश कुमार, राम शंकर कुमार, नंदन कुमार मुन्ना, अश्विनी कुमार चिंटू, कृष्ण कुमार, निशांत भारद्वाज, आकाश सहित पूरे ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा।